स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 12 में साइंस इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। प्रेजेंस एंड फ्लो, देयर आर टू वर्ड्स। आप देखते हैं दो तरह का घटना होता है इलेक्ट्रिसिटी में। आप किसी पेन को या कंब को, कंघी को आप बाल में अपने हेयर में से रब करते हैं और कागज़ के एक छोटे से टुकड़े के नज़दीक ले जाते हैं तो देखते हैं कि वह उस छोटे से टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, और यह भी देखते हैं कि आप किसी इलेक्ट्रिक सोर्स को वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है, जिससे किसी को बिजली का इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता है। ठीक है, तो पहली जो घटना है, हेयर में पेन या कंब रब करने से और वह किसी छोटे टुकड़े को, कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पर चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। चार्ज एक शब्द है यार इसमें, तो चार्ज का फ्लो नहीं है, सिर्फ प्रेजेंस है। ऐसा करने से इस पर चार्ज आ गया और सिर्फ एक जगह वह स्थिर है, कुछ एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में वह चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, बट द चार्जेज आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द पेन और कम। ठीक है, तो वहाँ फ्लो नहीं है, अस्थिर है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है, उसमें ऐसा गुण होता है। ठीक है, दूसरा घटना है कि किसी इलेक्ट्रिक सोर्स को हम किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा होता है आपके डेली लाइफ में, होता है। आप किसी, आपके घर में बल्ब जलता है और अदर इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑपरेट होता है, कहीं पर वायर कटा छटा रहता है, आप उसको छू देते हो उस, या आपके संयोग से उसका उस कटे छटे जगह पर हाथ टच कर जाता है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो वहाँ क्या है, वहाँ चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज का फ्लो है, और यहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, स्टेडी है, स्थिर है किसी पार्टिकुलर एरिया में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट लाइक ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को दो ग्रुप में बांटा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी दो ब्रांच है इसका। ठीक, एक फर्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, दूसरा है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टेटिक क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी के जिस ब्रांच में हम स्थिर स्टेडी चार्ज के कारण होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टेटिक कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेटिक इट डील विथ स्टडी
ऑफ द फेनोमेना ऑफ द स्टेडी चार्ज। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम अस्थिर स्टेडी चार्ज के कारण होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इन सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम फॉलोइंग मूविंग चार्ज के कारण होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ द फेनोमेना ऑफ मूविंग चार्जेस, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इसका अध्ययन करेंगे, टेन में, स्टैंडर्ड टेन में करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। और क्योंकि यही सिलेबस में है, स्टैंडर्ड टेन में सिर्फ इसी को पढ़ना है। बट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको हायर क्लास में पढ़ना है। यह बियॉन्ड द सिलेबस ऑफ क्लास टेन है, लिख दिए और यहाँ पर इंक्लूडेड इन सिलेबस ऑफ क्लास टेन। करेंट इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड है क्लास टेन के सिलेबस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी, आपका चैप्टर 12 में आप देखेंगे टॉपिक्स है करेंट इलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफाइन किए हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्जेज। तो चार्ज एक शब्द है यहाँ पर, चार्ज चार्जेज आप देख रहे हैं चार्जेज। तो आपको उत्सुकता होना चाहिए कि चार्जेज है क्या, क्योंकि हम जो हम करंट पढ़ेंगे तो वहाँ चार्ज शब्द आएगा, फ्लो ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज? तो पहले तो हमको ये जाना चाहिए, ये मालूम हो जाना चाहिए कि चार्ज क्या है, ठीक है। तो हम लोग चार्ज समझते हैं, चार्ज क्या है? तो हम कह सकते हैं द फंडामेंटल पार्ट की सब द फंडा फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंस फोर्स विच एक्सपीरियंस ए फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स, यू नो अबाउट फंडामेंटल पार्टिकल्स फ्रॉम 9 आप पढ़ते आ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप सबों ने पढ़ा है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी जिसे हम एटम कहते हैं। डाल्टन बोला था एटम डिविजिबल नहीं है, लेकिन बट बाद में यह साबित हुआ कि एटम भी डिविजिबल है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, जैसे सर जे जे थॉमसन है, एडविन है, इस सब ने सिद्ध किया कि एटम इज आल्सो डिविजिबल इन स्मॉलर पार्टिकल, अदर पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अदर्स, ढेर सारे होते हैं, बट दीज थ्री आर फंडामेंटल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टू पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स चार्ज होता है,
उस पर ही चार्ज होता है, और उसी के कारण जितने भी घटना है चार्ज से रिलेटेड का क्रिएट होता है, ठीक है। आपके घर में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लो है, तो कहीं भी कुछ हो इलेक्ट्रिक से संबंधित घटना, तो वहाँ समझिए कि प्रजन सब चार्ज है, इस फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में आप जानते हैं कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन, प्रोटॉन आपका क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ो, न्यूक्लियस में रहता है। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑल अराउंड द न्यूक्लियस मूव करता है ना। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और यह भी जानते हो कि किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है पॉजिटिव, उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इसलिए आप जानते हैं कि एटम्स आर न्यूट्रल, बिकॉज द टू चार्जेज विच आर अपोजिट इन नेचर न्यूट्रलाइज इच अदर। लेकिन अगर किसी कारणवश देयर आर डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, द एटम्स बिकम्स चार्ज, ठीक है ना। एटम्स क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज जो है, कहीं भी आप घटना देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो वहाँ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ही को ही चार्ज है। आप किस फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये हो गया सभी नहीं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द हम लिख दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी कारण से कोई चार्ज ऑलरेडी, कोई चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप दूसरे चार्ज को लाते हैं, क्या होता है, ये इसकी ओर अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है। इस चार्ज इस फील्ड में आने के बाद इस पर एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पर, जिसके कारण वह तो इधर अट्रैक्ट हो गया या इसे बाहर भागेगा। तो इसके कारण क्या है, तो वहाँ भी कोई चार्ज है जिसके कारण वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो एक एक चार्ज दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगाता है, जिसके कारण उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, ठीक है। जैसे इसके आधार पर हम टाइप्स ऑफ चार्जेज, अब आते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेज। चार्ज दो तरह का होता है, चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं, तो एन ऑब्जेक्ट इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। जिसमें प्रोटॉन की संख्या कोई ऑब्जेक्ट में, जिसमें जिस किसी ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होगा, वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि रिजल्टेंट चार्ज जो बचेगा प्रोटॉन का। अब इसे मान लेते हो कि आप जानते हैं सोडियम जानते हो नहीं, तो उसमें 11 प्रोटॉन होता है और 11 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, 11 11p हो गया, प्लस 11p
यूनिट चार्ज हो गया, समझ हाँ। इसमें हम सम करेंगे 11 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस 11 यूनिट चार्ज, और टोटल कितना हो गया 0। लेकिन अगर अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है किसी कारण से, तो 11 है प्रोटॉन, और इसमें ये 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 नेगेटिव 11 पॉजिटिव कितना बचेगा आपको, 1 प्लस 1 एक प्रोटॉन के कारण, एक प्रोटॉन 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और एक प्रोटॉन बच जाएगा, उसके कारण वह पॉजिटिव भी चार्ज हो जाएगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर अधिक हो गया, आपके आप जानते हैं ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, आयोनिक कंपाउंड वगैरह पढ़े कोई दूसरा कंपाउंड ऑब्जेक्ट से, इलेक्ट्रॉन उस पर चला 17 क्लोरीन, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो गया टोटल चार्ज न्यूट्रल। लेकिन अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन कहीं से आकर के इस पर एड हो गया तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 18, तो प्लस 17 माइनस 18 कितना हो गया माइनस 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्सेस हो गया, तो अभी निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। जिसमें द ऑब्जेक्ट इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड द ऑब्जेक्ट इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, ऐसे इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं थे, फिर भी वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट चार्जिंग क्या है। तो आप जानते हैं क्या इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेज क्या है। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर बट लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। आप सब जानते हैं, पहले से भी पढ़े आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं पिछले स्टडी को। कोई प्लस चार्ज रिपेल करेगा, माइनस निगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, प्लस माइनस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक ये हो गया लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव रिपेल करते हैं, निगेटिव रिपेल करते हैं। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन, इस थोड़ा थोड़ा जानकारी कर लें। अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ है एस आई यूनिट ऑफ चार्ज। SI unit of charge
ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? आप यूनिट के बारे में कुछ पहले भी हम समझाए थे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं सबों को मापना नेसेसरी है, और जिस यूनिट में मापते हैं उसको उसका यूनिट कहते हैं। इसमें से सर्वमान यूनिट एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब है, कूलम्ब। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब होता है, ठीक है ना? और इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय सिंबल सी कैपिटल। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब है, डिनोटेड बाय कैपिटल सी, ठीक है। थोड़ा से धीरे धीरे अब आते हैं बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज, बेसिक चार्ज, बेसिक चार्ज किसको कहते हैं? आपको अभी बताएं थोड़े कि एटम से भी छोटा पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल उसका। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप तोड़ते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाते हैं, तो सबसे छोटे को आप एटम कहते हैं, और उससे भी छोटा जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, तो किसी ऑब्जेक्ट पर कम से कम चार्ज कितना होगा? तो प्रोटॉन से तो छोटा होगा नहीं, तो प्रोटॉन पर सबसे जितना चार्ज होगा वही मिनिमम चार्ज होगा उस ऑब्जेक्ट पर। उस ऑब्जेक्ट पर मिनिमम चार्ज कितना होगा? प्रोटॉन पर जितना चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन से छोटा हो नहीं सकता है, प्रोटॉन से छोटा हो नहीं सकता है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर कम से कम लीस्ट चार्ज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बेसिक चार्ज, ठीक है। नो ऑब्जेक्ट कैन बी स्मॉलर देन, नो ऑब्जेक्ट कैन बी स्मॉलर देन ए प्रोटोन और न्यूट्रॉन। द चार्ज प्रजेंट ऑन ए प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेसिक चार्ज। The least amount, सबसे कम least amount of charge, least amount of charge present on an object is called basic charge. This basic charge is equal to the charge on a proton or an electron. यह बेसिक चार्ज जो है, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उसी को हम कहते हैं बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज को हम स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इससे कम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं होगा जितना एक प्रोटॉन पर होगा, ठीक है। तो चार्ज, बेसिक चार्ज क्या हो गया? और
बेसिक चार्ज हो गया आपका, बेसिक चार्ज है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस 19 कूलम। यही बेसिक चार्ज को हम मूल आवेश कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, इसको हम स्मॉलनेस में भी तो चार्ज भी कहते हैं। दैट इज द स्मॉलेस्ट, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को हम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड दिस यूनिट इज एंड डिनोटेड बाय ई स्मॉल ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19, ठीक है? अब हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो इतना ही होगा। बेसिक यूनिट जो है याद रखने का चीज है, रिमेम्बर कर लीजिए, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज इक्वल टू, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है? इन प्रॉब्लम में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इसको आप लिख सकते हैं माइनस सी, ई हो गया प्लस सी माइनस सी, प्लस सी माइनस सी भी कह सकते हैं। ई स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का, ठीक है ना? तो अब आते हैं थोड़ा सा क्वांटाइजेशन, एक शब्द है वो थोड़ा सा आपको आगे पढ़ना, लेकिन यहाँ भी आपको उसका ज़रूरत है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा जानना चाहिए, इससे आपको न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा मालूम होने से, न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा बनाना। तो हम एक टर्म देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, क्वांटमीकरण कहते हैं हिंदी में इसको, क्वांटमी तो ये क्या होता है, द टोटल अमाउंट
टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चार्ज ऑफ ए सिंगल चार्ज ऑफ मल्टीपल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट पर जितना चार्ज होता है वह एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित प्रेजेंट चार्ज के पूर्ण गुणज कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, इंग्लिश में उसको इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं। मैंने उसके जैसे आप बैंक में जाते हैं तो आपको वहाँ लिखा देखिए कि यहाँ पर कोई इंश्योरेंस वगैरह है तो उसमें आप देखते हैं कि इंश्योरेंस इतना रुपये के मल्टीपल में एक्सेप्ट होंगे, मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़, मतलब कि 500 600 ऐसे, या मल्टीपल ऑफ 1000, द मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1000 1000 2000। तो इसी तरह से यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसी सिद्धांत को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द अमाउंट ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। दैट इज इफ क्यू बी द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एक्वायर्ड by an object then q क्या होगा, q क्या होगा, तो q हो जाएगा आपका प्लस माइनस एन ई। क्वांटाइजेशन यह है According to quantization, तो Q is equal to plus minus ne. Here क्या है आपको? Here n number of electrons. उस object पर कितना electron है? Number of electrons. Q, n stand for number of electrons and E आप जानते हैं उनका विख्या है n की, E क्या है,
यानी मतलब बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को हम इसे डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यह बेसिक यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, एसआई यूनिट और इस यूनिट में डिफरेंस है। एसआई यूनिट तो आपको मालूम है कूलम है, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस सिंबल विल इंडिकेट दैट द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर प्लस वैल्यू है तो मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, एंड दिस चार्ज पार्टिकल विल बी प्रोटॉन, एंड नेगेटिव साइन आता है तो समझिए कि चार्ज नेगेटिव चार्ज है और चार्ज पार्टिकल अपन और नेगेटिव चार्ज विल शो दैट द चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आप थोड़े आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला चीज अब हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल भित्ता ही समझिएगा। ये आप पढ़े हैं, ये कूलम चार्ज कैसा यूनिट। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट वन कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट वन कूलम ऑफ चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलम चार्ज कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट वन कूलम ऑफ चार्ज, वन कूलम ऑफ चार्ज। तो आप जानते हैं डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। हाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट वन कूलम ऑफ चार्ज, ये है दैट इज ये इतना। इसको हम 6.6 इंटू अप्रोक्स में देते हैं, इसको हम अप्रोक्स में देते हैं, लगभग वैल्यू होता है इसका। पॉइंट अगर हम रिमूव करके करें तो रफली हम 6.6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या होता है एक कूलम चार्ज कंस्टिट्यूट करता है। आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन में सवाल होगा, यह क्वेश्चन होगा है। तो देखिए आपका यह कैलकुलेट करने आ जाता है आपको, तो कैसे करेंगे। तो अभी क्वांटाइजेशन बताए थे, उस फॉर्मूला से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इतना होता है तो कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए गिवन है, अब क्या पढ़ो, क्यू एक कूलम चार्ज मीन्स क्यू कितना हो गया वन कूलम। ठीक है, हाँ तो इसमें क्यू गिवन क्यू इज इक्वल टू वन कूलम। अब वन कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू बिलो, हम जानते हैं
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, एन ई क्यू कितना होता है, एन ई क्वांटाइजेशन में बताया फॉर्मूला आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स निकालना मीन्स ई एन कैलकुलेट करना, क्या करेंगे क्यू बाई ई, क्यू कितना हो गया वन, ई का वैल्यू बता दिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है इतना इलेक्ट्रॉन आपको होना है, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आएगा, इसी को रफली आप लिखिएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 18, आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने अगर आएगा तो आप ऐसे कीजिए, ठीक है। तो अब आगे हम सब बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, अब आ जाएंगे जो पढ़ना है ये टेन में करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक चीज नोट में बता देते हैं, नोट डेट नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज सेम थिंग, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज नॉट वेक्टर, इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक करंट शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज, फ्लो ऑफ चार्जेज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और इट कैन ऑल्सो भी, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन परिमिट टाइम दैट इज और द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इसको इलेक्ट्रिक करंट, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट।
किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम मीन्स पर सेकेंड इन एसआई यूनिट में अगर आप बात करेंगे तो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड मीन्स वन सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। आप क्रॉस सेक्शन समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो समझिए कि ये एक बायल है। देखिए इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, यह देखिए कट हो गया। तो ई स्पेस एरिया जो देख रहे हैं रीजन दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो इस क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज पर सेकेंड फ्लो करेगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैथमेटिक के लिए हम देखते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो सपोज क्यू कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज फ्लोज इन टी टाइम यूनिट टाइम। हमको क्यू कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज इन यूनिट टाइम ए में हम कैलकुलेट करेंगे करेंट को। यहाँ मान लेते हैं कि क्यू कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज इन टी टाइम। टी समय में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से क्यू कूलम्ब ऑफ चार्ज पास करता है। दैट इज इन टाइम टी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इज क्यू। इन टाइम टी चार्ज फ्लोज क्यू है। तो इन टाइम वन यूनिट यहाँ पर सेकेंड या कुछ होगा कितना हो जाएगा क्यू बाई टी। इसी ये एक यूनिट टाइम में टी में भी यूनिट मिनट सेकेंड बट यहाँ पर हम सेकेंड ही लेंगे लेकिन लिख दिया यूनिट टी यूनिट। तो वन यूनिट यूनिट मतलब यहाँ पर यूनिट टाइम ही यूनिट ऑफ टाइम ई में भी सेकेंड मिनट आवर ऐसे समझने के लिए लिख दिया लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे सेकेंड। ठीक है, तो टी यूनिट टाइम है मतलब कि मिनट में भी सेकेंड मिनट आवर टी आवर में टी सेकेंड में टी मिनट में क्यू कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करता है। तो वन यूनिट टाइम में मतलब कि वन सेकेंड वन मिनट वन आवर में कितना फ्लो करेगा क्यू बाई टी। दिस अमाउंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम क्या करते हैं दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी इलेक्ट्रिक करंट का ये फॉर्मूला हो गया। और आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में फॉर्मूला फर्स्ट कहिए या सेकंड मान सकते हैं तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिखते हैं
ऐसा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला ऐसे समझने से आपको ना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। आप न्यूमेरिकल बनाइएगा इलेक्ट्रिसिटी का तो इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, आप जानते हैं एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्या है, ये ई है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम ई का मान होता है। क्यू के जगह पर ए नहीं लिखे हैं तो ये हेल्पफुल होगा आपको, क्या कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, क्या है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज एम्पियर, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट क्या है, एम्पियर है, डिनोटेड बाय इन सिंबल ए। इसको हम सिंबल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आर दिस यूनिट नेम्ड इन ऑनर, इस सम्मान में दिया गया है इस यूनिट का नाम एम्पियर। जानते होंगे आप उनका नाम क्या है, नेम्ड इन ऑनर ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट है एंड्रे मैरी एम्पियर। नेम्ड इन ऑनर ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर, एंड्रे मैरी एम्पियर के सम्मान में ये नाम दिया गया है इसको, एंड्रे मैरी एम्पियर के सम्मान में इस कॉलेज का नाम है एम्पियर, डिनोटेड बाय फर्स्ट लेटर ऑफ एम्पियर। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन, व्हाट इज वन एम्पियर, एक एम्पियर करंट कितना होगा, इसको अगर डिफाइन करने आएगा तो आप क्या कीजिएगा, डिफिनेशन जान लीजिए। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ एम्पियर, वन एम्पियर और एसआई यूनिट, एम्पियर और एसआई यूनिट ऑफ करेंट, एसआई यूनिट ऑफ करेंट। आपको प्रश्न दे देता है, डिफाइन एम्पियर वन एम्पियर और डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करेंट, तो आप क्या कीजिए देखते हैं। व्हेन वन कूलम ऑफ चार्ज पासेस
थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट through it is थोड़ा सा मिस करके लगता है। फिर वन कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर इन वन सेकेंड, इन वन सेकेंड द इलेक्ट्रिक करेंट रो इज वन एम्पियर। देखिए जी, अगर किसी कंडक्टर से एक सेकेंड में वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है तो उस कंडक्टर से करंट का वैल्यू होगा एक एम्पियर। एक वन कूलम चार्ज पास थ्रू है क्रॉस सेक्शन ऑफ है कंडक्टर इन वन सेकेंड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज वन एम्पियर, दैट इज वन एम्पियर इज इक्वल टू वन कूलम बाय वन सेकेंड। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप ऑलरेडी आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी, तो यहाँ यूनिट है तो यूनिट में तो एवरीथिंग इज वन वन, तो आई को हम वन ए लिखेंगे, क्यू को वन सी लिखेंगे, टी को वन सेकेंड लिखेंगे, वन एम्पियर करें हो गया वन कूलम पर सेकेंड। ठीक है, वन कूलम पर सेकेंड। अब देखिए ये एम्पियर हो गया, अब स्मॉल यूनिट भी होता है, इससे स्मॉल यूनिट को भी आप जानिए। स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, ये है आपको मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, यह दो स्मॉलर यूनिट है जो ज़्यादा चलता है कैलकुलेशन में। कभी कभी करंट का मान इतना कम होता है कि उसको एम्पियर में एक्सप्रेस करना थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, तो उस करंट का मान को हम स्मॉलर यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो वह स्मॉलर यूनिट क्या है आपको, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर से भी स्मॉलर है। यहाँ तो वन मिली एम्पियर क्या हुआ, वन मिली एम्पियर को हम शॉर्ट में लिखते हैं एम ए, और इसको लिखते हैं और वैल्यू होता है इसका 10^-3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10^-3 एम्पियर, दैट इज 1 MA मिली एम्पियर इक्वल 10^-3 एम्पियर। ठीक है, और
माइक्रोन पिया, माइक्रोन पिया वन वन माइक्रो वन माइक्रो एम्पियर, वन माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10^-6 एम्पियर, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, एक सिंबल होता है न्यू पढ़ा जाता है इसको, न्यू ए मीन्स माइक्रो, न्यू स्टैंड फॉर माइक्रो, 10^-6 एम्पियर, ये स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, नोट कीजिए, एक नोट दैट इलेक्ट्रिक करेंट इज आल्सो इज ए स्केलर, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और चलिए आइए अब हम देखते हैं एक इंस्ट्रूमेंट एमीटर क्या होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ रहे हैं तो उसका मेजरमेंट भी तो करेंगे। ठीक है, आप चीनी खरीदेंगे तो उसको उसका वेट भी तो करेंगे, ऐसे ही तो नहीं ले लेंगे। आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी खरीदते हैं, घर में आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट, बिजली बोर्ड वाला यूनिट के रेट से पैसा सूलता है, तो मेजरमेंट कीजिएगा तब ना। तो करंट को मेजर भी किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट सर्किट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर को आप सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो आप कैसे कीजिएगा, इसके बारे में दो तीन चीज जान लीजिए। यहाँ पर सर्किट लिखा हुआ है, मेजर एंड वह इंस्ट्रूमेंट, वह डिवाइस भी जिसका उपयोग किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेजर करने में होता है उसको कहते हैं एमीटर। ठीक है, इसमें आप नोट लिख लीजिए, नोट दैट नोट नंबर वन, एमीटर में लो रेजिस्टेंस होता है, इट हैज लो रेजिस्टेंस एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। दूसरा बात है, इट इज connected in series in an electric circuit, in an electric circuit. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर
is always always positive terminal of emitter का positive और negative terminal होता है जिससे हम connect करते हैं. Positive terminal of emitter is always always kept towards positive टर्मिनल भी कह सकते हैं, एंड भी होता है, एंड ऑफ बैटरी, पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी एंड टर्मिनल, एंड टर्मिनल भी लिखते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एंड नेगेटिव टर्मिनल to negative terminal of battery, negative terminal of battery. अब इंस्ट्रूमेंट को जब सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस ओर होगा उसी ओर एमिटर का पॉजिटिव टर्मिनल होगा. एमिटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगा. थोड़ा टाइम अधिक हो रहा है इसलिए हम नेक्स्ट कुछ और जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Bye.